हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में। तो गाइस अभी यहाँ पर फ्लिपकार्ट में एक सेल आने वाली है नेशनल शॉपिंग डेज के नाम से और काफी कमाल के यहाँ पर ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यार आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गाइस ये जो सेल है 8 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 8, 9, 10 तारीख तक ये सेल चलेगी और यहाँ पर 3 दिन है आपके पास कमाल के ऑफर्स हैं। बट कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जिनसे आपको यहाँ पर बच के रहना है। तो यार आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लिपकार्ट की सेल है 8 से 10 तारीख तो चलेगी ही, बट जिन लोगों के पास यहाँ पर फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है जैसे कि मेरे पास है, तो आपको 7 तारीख को रात को 8 बजे से उस सेल में पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा अगर आपके पास प्लस मेंबरशिप यहाँ पर है फ्लिपकार्ट की, तो आप जल्दी से फोन को यहाँ पर परचेस कर पाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट यहाँ पर कौन से कार्ड्स पे आपको क्या क्या ऑफर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मेन बैंक के ऑफर्स है वो आईसीआईसी बैंक के साथ चल रहे हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कई सारे स्मार्टफोन्स पे ये एप्लीकेबल है। और गाइज ये जो है ये आपकी ईएमआई ट्रांजेक्शन पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप गाइज ईएमआई पे फोन लेते हो तब भी आपको कोई इशू नहीं है, तब भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स पे। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहला फोन जो है हमारी लिस्ट में रियलमी 3 प्रो। अब इसका प्राइस इस सेल के अंदर 13,000 रुपए हो जाएगा, वैसे 14,000 रुपए का फोन मिलता है। अब इस फोन में स्नैपड्रैगन 710, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, फुल एचडी प्लस की ड्यू ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले, डुअल रियर कैमरास, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और यहाँ पर बुक चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी भी काफी बढ़िया है स्मार्टफोन की। और गाइस इस स्मार्टफोन को मैं यूज कर चुका हूँ, मैंने अपने चैनल पर काफी वीडियो पोस्ट की थी, 2 महीने मैंने डिवाइस यूज करा है, बहुत ही कमाल का डिवाइस है। आप जरूर से डिवाइस को परचेज कर सकते हो और चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है, 1 घंटा 15 मिनट में 0 से 100 हो जाता है। तो गाइस इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस है, आप जरूर से इसको परचेज कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नोट 7S की। अब ये इसका जो बेस वेरिएंट है गाइस आपको 11,000 रुपए का वैसे देखने के लिए मिलता है, बट इस सेल में आपको ये 10,000 रुपए का देखने के लिए मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन 660 आपको मिलता है, आगे पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, डिजाइन काफी सही है और यहाँ पर इसकी डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है, फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन है, 4 mAh की बैटरी है, क्विक चार्ज 4 को ये फोन सपोर्ट करता है। तो गाइस फोन जो है वो काफी कमाल का है, ओवरऑल एक पैकेज है और इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट है, आप इसको आंख बंद करके परचेज कर सकते हो और मेरी रिकमेंडेशन में स्मार्टफोन जरूर से है। और गाइस उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नोट 7 प्रो की, तो जो मेरे पास यहाँ पर है और गाइस ये भी काफी कमाल का है, अभी यहाँ पर कोई डिस्काउंट शो नहीं कर रहा है, 14,000 रुपए में आपको देखने के लिए मिलेगा। बट गाइज अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से इसको परचेज करते हो तो वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, तो वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी गाइस ये जो Realme 3 है, Realme 3 Pro है, इनका तो प्राइस ही यहाँ पर डाउन हो रहा है, यानी कि 13,000 रुपए और 10,000 रुपए, तो उसके ऊपर भी आपको 10% का अगर डिस्काउंट लगाओगे तो काफी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो ये नोट 7 प्रो है गाइस 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, नोट 7 में भी सेम कैमरा है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें सैमसंग का सेंसर है, इसमें सोनी का IMX586 सेंसर देखने के लिए मिलता है, कमाल की बिल्ड क्वालिटी है, ऑसम डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर है, टाइप सी का पोर्ट है और ओवरऑल यार बीस्ट फोन है, इस प्राइस सेगमेंट में अभी भी ये यहाँ पर खरीदना वर्थ है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं Realme 3 की, जो वैसे 9,000 रुपए में देखने के लिए मिलता है बट सेल के दौरान ये 8,500 रुपए में देखने के लिए मिलेगा। P70 प्रोसेसर है और 13+2 का रियर कैमरा है, 4230 mAh की बैटरी है और ओवरऑल गाइस काफी कमाल का फोन है, HD प्लस की रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, सेल्फी कैमरा भी काफी बढ़िया है स्मार्टफोन का और बढ़िया फोन है यार, जरूर से आप इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद यार Vivo Z1 Pro जो कि 15,000 रुपए प्राइस में देखने के लिए मिलता है, गाइस बहुत ही कमाल का फोन है, मैंने कल ही अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाली और मैं इसको यूज करके देख चुका हूँ, बहुत ही ऑसम फोन है, स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ है, 3 ट्रिपल रियर कैमराज है, फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग है, तो यार ओवरऑल काफी कमाल का फोन ही है 15,000 रुपए की प्राइस में। अगर गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए यार आंख बंद करके आप इस स्मार्टफोन को यहाँ पर परचेज कर सकते हो। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मोटो का वन विजन के बारे में, यार अच्छा फोन है 18,000 रुपए में, इसका 21:9 यानी कि सिनेमेटिक जो डिस्प्ले होती है ऐसी कोई डिस्प्ले है इसके अंदर, तो गाइस उस प्राइस में 9609 प्रोसेसर मिलता है सैमसंग वाला, बाकी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और ओवरऑल गाइस ठीक ठाक फोन है, इतना ज्यादा मैं कुछ बढ़िया नहीं कहूंगा पर मैं मोटोरोला के स्मार्टफोन्स को यहाँ पर रिकमेंड इतना नहीं करता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह के इतना कुछ पता नहीं होता है, हालांकि ये एंड्रॉइड 1 डिवाइस है गाइस बट फिर भी यार मुझे मोटोरोला पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं, तो मैं आपको ये डिवाइस रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑनर के 20i की, जो की 128 GB वाला वेरियंट यानी कि 4 GB की रैम के साथ 13,000 रुपए में सेल में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 3 रियर कैमराज के साथ आता है और गाइस इसमें किरण का 710 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है
और नोट 7 प्रो जैसी इसमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल गाइज ये स्मार्टफोन भी ठीक है, बहुत ज्यादा गेमिंग में बढ़िया नहीं है, बट ओवरऑल इस प्राइस में एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप इसको देख सकते हो, बाकी मैं इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि यार अभी हुआवे का जो सीन है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि इसमें अपडेट्स आएंगे नहीं आएंगे, वो 16 अगस्त के बाद ही हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने फेवरेट फोन की, जो कि ASUS ZenFone Max Pro M1। तो गाइज इस स्मार्टफोन को मैं ऑलमोस्ट जब से रिलीज हुआ तब से मेरे पास है और अभी तक यार ठीक ठाक चलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद थोड़ा बहुत है इश्यूज यहाँ पर, जैसे कि परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत कम हो गई है, बट गाइज इस प्राइस सेगमेंट में स्नैपड्रैगन का 636 5000mAh की बैटरी, फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले कोई आपको नहीं देता है, डुअल रियर कैमरा है, सेल्फी कैमरा भी एक्सेप्टेबल है, कैमरा बहुत अच्छा नहीं है गाइज पर काम चला देगा इस प्राइस सेगमेंट में, और बैटरी यार बहुत कमाल की है स्मार्टफोन की, एंड्रॉइड पाई पे चल रहा है, क्यू का अपडेट पता नहीं यार आएगा नहीं, बट स्टॉक एंड्रॉइड है गाइज। अगर आप मी यूआई या फिर कलर ओएस में नहीं जाना चाहते हो इस प्राइस सेगमेंट के फोन्स में, तो आप इस फोन को जरूर से कंसीडर कर सकते हो। बट यार सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि ASUS का जो सॉफ्टवेयर है वो यार ऐसे ही चलता है, तो बस। तो यार फोन आप ले सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में, काफी अच्छा है, डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड के साथ भी आता है, तो ओवरऑल काफी सही फोन है। तो गाइस उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मी ए टू की, तो यार ये फोन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए रिकमेंड करता, बट गाइस अब जो फोन आ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन आ रहे हैं और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बेजल्स है। इस फोन को लेने का एक ही रीजन हो सकता है कि स्टॉक एंड्रॉइड, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए तो आप ले सकते हो, कैमराज भी अच्छे हैं गाइस बट बैटरी कम है, हेडफोन जैक नहीं मिलता है, तो यार ये भी कौन है इसके, और कैमरा बम बहुत ज्यादा है, तो यार 10,000 की प्राइस में रिकमेंडेड नहीं है। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर ASUS का मैक्स M2 है जो कि 7,500 में मिलेगा, वो भी गाइज रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी, से भी आप उसको परचेज मत करना। उसके बाद गाइज यहाँ पर K20 सीरीज में कुछ डिस्काउंट आने वाले थे, बट यार 22,000 की प्राइस अभी भी यहाँ पर शो कर रहा है, तो यार इसको आप मत परचेज करना। मैंने K20 प्रो लिया जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये फोन इतना ज्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं है। अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है 20-21,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है तो भाई आप ले सकते हो, बाकी फोन काफी कमाल का है, 730 प्रोसेसर है, ग्लास बिल्ड है पूरा यहाँ पर आगे पीछे, और साथ ही यहाँ पर मेटल का फ्रेम मिलता है, पॉपअप कैमरा है, फुल व्यू डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है गाइस, इसकी टाइप सी है, फास्ट चार्जिंग है, ऑलमोस्ट यार बहुत ही कमाल का डिवाइस, आप इसको जरूर से परचेस कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर रियलमी 2 प्रो है जो कि 10,500 की प्राइस में आपको मिल रहा है, आज के टाइम में रिकमेंडेड नहीं है, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ आता है, 16 MP सेल्फी कैमरा है, आज के टाइम में भाई इसको मत लेना। उसके बाद ओप्पो का K1 है गाइज, ये भी रिकमेंडेड स्मार्टफोन नहीं है, इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बहुत ज्यादा स्लो है और ओवरऑल यार बेकार है, क्योंकि K3 आ चुका है और K3 भी इतना कुछ खास नहीं है। मैं इससे ज्यादा आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रियलमी के अदर डिवाइस जैसे कि रियलमी 3 प्रो या फिर आप रियलमी एक्स वगैरह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज नोकिया का 5.1 प्लस भी मैंने यार ऑलमोस्ट एक साल से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, काफी कमाल का डिवाइस है गाइज। ये स्मार्टफोन सिर्फ मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा, 8,000 की प्राइस में मिल रहा है, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, जैसे कि आप अपनी मदर या फादर को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन ले सकते हो। डुअल सिम हाइब्रिड के साथ आता है, P60 प्रोसेसर है, 3GB 32GB बेस वेरियंट ही लेना, 64GB वाला वेरियंट मत लेना, बहुत एक्सपेंसिव है वो, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। और गाइज ये जो है HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, डुअल रियर कैमरा है, सिंगल फ्रंट कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है, और ओवरऑल यार अच्छा फोन है, मेरी सिस्टर इसको यूज करती है और काफी अच्छा चलता है, लैगिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, अच्छा फोन है आप ले सकते हो, बट शर्त यही है कि यार स्टॉक एंड्रॉइड अगर आपको पसंद है, साथ ही कॉम्पैक्ट फोन आप चाहते हो तो जरूर से आप इस फोन को देख सकते हो, कैमरा भी एक्सेप्टेबल है, ठीक ठाक फोन है आप ले सकते हो। उसके बाद गाइज ऑनर का 8C बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, गलती से भी मत लेना है स्मार्टफोन को, और गाइज ऑनर का 9N भी रिकमेंडेड नहीं है 8,000 की प्राइस में। और उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गैलेक्सी A50 की, तो गाइज ये फोन आपको मिल जाएगा 18,500 की प्राइस में, गाइज मेरे पास ये स्मार्टफोन है, 9610 प्रोसेसर के साथ आता है, 4GB 64GB वाला वेरियंट मेरे पास है, मैंने 20,000 का परचेस किया था, अच्छी खासी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड फुल HD वाली जो कि 6.34 इंच की है, और गाइज कैमरा इसका इतना तो कुछ खास नहीं है, ट्रिपल रियर कैमरा है, वाइड एंगल लेंस भी कुछ खास नहीं है, मतलब यार कैमरे के लिए यार एवरेज में बोलूंगा, बहुत ही बिलो एवरेज में स्मार्टफोन को देना चाहूंगा, आउटडोर में ठीक ठाक ये रिजल्ट देता है पर इंडोर में यार बहुत ही बेकार रिजल्ट ये देता है, और यार परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, आपको लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, पबजी HDR वगैरह में चलाया था तो ये काफी अच्छी चीज है, और ओवरऑल यार मुझे काफी पसंद आया डिवाइस, आप जरूर से इसको ले सकते हो, बट यार कैमरा जिसका वीक पॉइंट है, 50 का बैटरी भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, 15W का चार्जर भी बॉक्स में मिल जाता है। उसके बाद गाइज नोकिया 6.1 प्लस 13,000 में आपको मिलेगा, बेस वेरियंट 4GB 64GB वाला बिल्कुल भी मत लेना यार, आज के टाइम में इसको रिकमेंड नहीं करता। ऑनर का 10 Lite भी गाइज आपको नहीं लेना है 9,000 की प्राइस में। उसके बाद गाइज इन्फिनिक्स का S4 है, यार इन्फिनिक्स की सर्विस मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इन्फिनिक्स के फोन को, और 9i से भी आपको बच के रहना है, और ASUS 5G आप मत लेना यार 25,000 की प्राइस में, बट
इस टाइम में आपको 20,000 रुपए का मिलेगा। तो शायद आप देख सकते हो, अगर आप पोको का अल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढ रहे हो तो यार काफी अच्छा फोन है। अगर आपको 20,000 रुपए में मिल जाता है इसका बेस वेरियंट तो आप देख सकते हो, बाकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, कैमराज भी काफी बढ़िया है इसके और बिल्ड क्वालिटी भी काफी इसकी बढ़िया है। ऑनर 9 लाइट आपको नहीं लेना है, मैक्स M1 भी बिल्कुल मत लेना, नोट 5 भी रिकमेंडेड नहीं है, इन्फिनिक्स नोट 5 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस ए सीरीज के जो A30 A10 सीरीज के फोन है वो मत लेना, V15 भी रिकमेंडेड नहीं है, वीवो का V15 प्रो भी रिकमेंडेड नहीं है, Y12 Y17 और बाकी के जो ये फोन है गाइस ये रिकमेंडेड नहीं है। एसुस का 6G आप ले सकते हो 32,000 रुपए की प्राइस में, अगर इस पे ऑफर लगा के आपको डिस्काउंट मिलता है जरूर से परचेस कर लेना। नोट 8 आप रिकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं करता हूं मैं, और ऑनर का 20 है गाइस 30,000 रुपए की प्राइस में भी वो रिकमेंडेड नहीं है। उसमें ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है यार आपको, ओवरऑल अगर आप हुआवे के फोन के साथ चल सकते हो, क्योंकि यार अभी कुछ सिक्योर नहीं है कि क्या होगा, अपडेट्स आएंगे नहीं आएंगे एंड्रॉइड का, तो यार मेरी तरफ से ये स्मार्टफोन आपको रिकमेंडेड नहीं है। ब्लैक शार्क 2 बिल्कुल भी मत लेना 35,000 रुपए की प्राइस में, रेडमी K20 Pro आप ले सकते हो, OnePlus 7 ले सकते हो, ओप्पो का R17 Pro गाइस 30,000 रुपए में आपको देखने के लिए मिलेगा 710 प्रोसेसर के साथ, यार बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में। उसके बाद गाइस नोट 9 भी रेकमेंडेड नहीं है, नोट 10 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, कल वो लॉन्च हो जाएगा। रेनो 10X जूम 40,000 रुपए की प्राइस में, भाई मेरे को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। रियलमी 3i गाइस आप स्मार्टफोन ले सकते हो 8,000 रुपए की प्राइस में, काफी बढ़िया फोन है, आप इसको जरूर से परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, P60 प्रोसेसर है, HD+ डिस्प्ले है, 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा है, 13 MP की सेल्फी है और ओवरऑल काफी अच्छा डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है वो पैटर्न वाला, तो आप देख सकते हो उसको। तो गाइस रेडमी का 7 है आपको 6,000 रुपए की प्राइस में मिल जाएगा यार, IMX486 सेंसर के साथ आता है, 439 प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इसकी जगह रियलमी C2 को देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ और स्मार्टफोन्स हैं जैसे कि यूनिकॉर्न 2+, माइक्रोमैक्स का स्पार्क गो, इन्फिनिक्स स्मार्ट 2, K9, डुअल नोट 5, जियोनी A1 Lite, गाइस इन सारे स्मार्टफोन से बच के रहना गाइस, जो मैंने स्मार्टफोन गाइस आपको बताया है वो आप परचेस कर सकते हो, सबका लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। और गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यार, मुझे कोल्ड है, अगर आपको वॉइस से थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो तो यार आई एम सॉरी, और अभी के लिए यार इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप चाहते हो यार मैं अमेजोन की सेल के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो जरूर से नीचे कमेंट में बताओ, पर मैं वो वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।